हेलो गाइस, मैं हूँ वायरल डूड। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका जन्म एक बहुत ही साधारण से किसान परिवार में हुआ। एक छोटा सा गांव जहाँ बिजली और इंटरनेट की अच्छी सुविधा ना होने के बावजूद अपनी कॉमेडी वीडियोज़ की वजह से बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में उसने अपनी जगह बना ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमलेश नागेश के बारे में, जिनका पूरा नाम कोयतूर अमलेश नागेश है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप अमलेश नागेश को जरूर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। तो कोयतूर अमलेश नागेश का जन्म 19 मार्च 1993 में छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले के छुरा विकास खंड के अंतर्गत कामराज गांव में हुआ, जो एक जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है। तो अमलेश नागेश की 12वीं तक की पढ़ाई गाँव में ही कम्प्लीट हुई। इसके बाद उन्होंने गरियाबंद के कॉलेज से बीए की पढ़ाई कंप्लीट की। अब कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अमलेश को जॉब की तलाश थी। अमलेश को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, इसके अलावा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में भी बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए अमलेश ने किसी फोटो स्टूडियो में काम करना शुरू किया। अब अमलेश नागेश की ज़िंदगी की ट्रेन फ़ोटो स्टूडियो में ही चलती रही। लेकिन कहते हैं ना कि समय हर इंसान को ज़िंदगी बदलने का एक अवसर ज़रूर देता है, इसी तरह समय ने भी अमलेश को अपनी ज़िंदगी बदलने का एक अवसर दिया। इसी बीच टिकटॉक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, तभी अमलेश ने अपनी फ़नी वीडियोस बनाकर टिकटॉक में अपलोड करना शुरू किया, और देखते ही देखते अपनी यूनिक कॉमेडी और क्रिएटिविटी के कारण वे लोगों को बहुत पसंद आए। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के सेलिब्रिटी भी उन्हें जानने लगे। टिकटॉक के साथ साथ अमलेश ने जोहार छत्तीसगढ़ के नाम से यूट्यूब पर भी अपना चैनल स्टार्ट किया, जिसमें उनकी एक वीडियो अलकरह दुनिया को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन अमलेश के लाइफ में बुरा वक्त भी आया, जब यूट्यूब की तरफ से इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के कारण अमलेश को चैनल वहीं बंद करना पड़ा। लेकिन अमलेश कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने बीबी की वाइंस अर्थात भुवन बाम से इंस्पायर होकर एक नया चैनल क्रिएट किया, सीजी की वाइंस, जो अभी तक चलता आ रहा है। अमलेश के पास कोई स्टूडियो नहीं है, इसलिए अमलेश अपनी वीडियो अपने घर की बालकनी में ही, जहाँ एक छोटी सी जगह है, वहीं बनाते हैं। इसके अलावा अमलेश के जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी को वहीं प्ले करते हैं। वैसे सभी कैरेक्टर्स बहुत अमेजिंग हैं, लेकिन भैरा काका, बीड़ू और बाबू का कैरेक्टर काफ़ी अमेजिंग और फनी है। अमलेश वीडियो की शूटिंग खुद ही हैंडल करते हैं, इसके अलावा स्क्रिप्टिंग और वीडियो की एडिटिंग भी खुद ही करते हैं। एक ही इंसान के लिए इतने सारे कैरेक्टर प्ले करना, स्क्रिप्ट लिखना प्लस एडिट करना काफ़ी थका देने वाला काम है। और अमलेश एक किसान के बेटे हैं, जहाँ ये घर के काम को भी संभालते हुए वीडियोज़ बनाते हैं, जो कि काफ़ी मेहनत वाला काम है। और इसी मेहनत की वजह से अमलेश नागेश को बेनाम बादशाह, जो कि एक सीजी मूवी है, उसमें काम करने का मौका मिला। और छत्तीसगढ़ के फेमस डायरेक्टर प्रणव झा ने भी अपने फेसबुक में अमलेश के साथ सेल्फी लेते हुए एक पोस्ट अपलोड किया, जिसमें उन्होंने लिखा अपकमिंग सुपरस्टार। आज अमलेश नागेश के वीडियोस को पसंद करने वाले कई लोग हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई सेलिब्रिटी भी हैं जो उनकी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। वैसे अमलेश कॉमेडी वीडियो बनाने के साथ बहुत अच्छी ड्राइंग भी बनाते हैं। इस अमलेश नागेश का विवाह हो चुका है, उनका एक बेटा भी है जो बहुत ही क्यूट है। गाइस, अमलेश नागेश जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करने के बावजूद, लाइफ में कई मुश्किलें आने के बावजूद उन मुश्किलों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। ये मत समझना कि अमलेश को ये फेम इतनी आसानी से मिली, नहीं गाइस, इसके पीछे उनका हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पेशेंस छिपा है। गाइस, आज की इस मॉडर्न एज में कोई मैटर नहीं करता कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बस आप अपने अंदर के कलाकार को बाहर निकालकर लोगों को दिखा सकते हैं। क्या आपके अंदर भी कोई कलाकार छिपा है? यदि छिपा है तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? जस्ट गो फॉर इट। तो ये थी अमलेश नागेश की संघर्ष की कहानी। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके बताओ, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड या गाइस, मुझे पता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन अब से वीडियोस रेगुलर आएगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। और हाँ, एंड में मैं यही कहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।